सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस अमेजिंग ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं बेन 10 के टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लाइंग टाइप एलियंस को। इन एलियंस को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, वो है एस्ट्रोडैक्टिल और स्टिंग फ्राई। आज के वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों एलियंस में से कौन है बेन 10 का मोर पावरफुल बेन 10 एलियन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोडैक्टिल के साथ में। एस्ट्रोडैक्टिल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है जिसका होम वर्ल्ड टेरा डायनो है, जो कि ह्यूमंगस और कभी सेम प्लैनेट है। और बात करें अब इसकी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो भाई एस्ट्रोडैक्टिल के पास में आता है फ्लाइट का पावर, जो कि अपने जेट पैक की मदद से उड़ सकता है। इसके अलावा इसके पास एनहेंस स्पीड, एनहेंस एजिलिटी, विंग रिट्रैक्शन, एनर्जी बीम, एनर्जी वाइप, एनर्जी शॉक वेव, प्रोपल्शन ब्लास्ट, प्रीहेंसिल फीट, एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, स्पेस सर्वाइबिलिटी, गैस इम्यूनिटी जैसी पावर्स गैस इसके पास में आती हैं, जो कि एस्ट्रोडैक्टिल को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बेन 10 एलियन बना देती हैं। अब बात करें इसके कुछ वीकनेसेस के बारे में, तो भाई एस्ट्रोडैक्टिल इलेक्ट्रिक वीक है, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स इसे वीक कर सकते हैं, साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी की एक लिमिट है। अब बात करें अगर स्टिंग फ्लाई की, जो स्टिंग फ्लाई का इंट्रोडक्शन सबसे पहले बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर में किया गया था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है। इसकी स्पीसीज की बात करें तो इसकी स्पीसीज का नेम है लेफिडोफेटेरन और इसका होम वर्ल्ड है लेफिडोफेटेरा। बात करें इसकी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो भाई यार स्टिंग फ्लाई के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ आती हैं। बात करें अगर उनमें से कुछ के बारे में, तो भाई स्टिंग फ्लाई के पास स्लाइम प्रोजेक्टाइल्स को शूट करने का पावर, साथ ही साथ ये उड़ भी सकता है। इसके पास एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड, मूवेबल आइज, एनहेंस डेक्सटेरिटी, स्लाइम स्पीड, एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस रिफ्लेक्सेस, वॉल क्लाइंबिंग, 360 डिग्री विजन, शार्प टेल, फायर सस्पेंशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल और हर्बिसाइड प्रोटेक्शन जैसी पावर्स आती हैं। बात करें इसकी वीकनेसेस के बारे में, तो इसका नेचुरल शिकारी से पकड़ सकता है। इसकी स्लाइम कभी कभार इनफेक्टिव हो सकती है। मैनर अटैक के अगेंस्ट वीक है, इसको लिक्विड से पकड़ा जा सकता है। इसको इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भी कर सकते हैं, साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी की एक लिमिट है और इसकी टेल इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, साथ साथ ये टायर नहीं सकता है। अब बात करें गाइस इसमें बैटल में कौन जीतेगा, मैंने इसका विनर डिसाइड कर लिया है। और भाई इस वाले मैच का मेरे को डिसाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। इस वाले मैच का जो विनर है भाई वो है एस्ट्रोडैक्टिल। तो भाई यार देखो यार, एस्ट्रोडैक्टिल को चूज़ करने के मेरे पास कुछ रीजंस हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यार स्टिंग फ्लाई बिल्कुल भी वीक एलियन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन ये है। ये मत कहना कि भाई यार तूने तो मतलब यार स्टिंग फ्लाई को डिफीट करवा दिया। भाई यार देखो, मेन रीज़न ये था कि जो स्टिंग फ्लाई है वो इलेक्ट्रिक अटैक के अगेंस्ट वीक पड़ जाता है, और वहीं पे गाइस यार जो एस्ट्रोडैक्टिल है उसके पास में ऐसे कुछ एनर्जी अटैक आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक की तरह ही सेम मतलब डैमेज कर सकते हैं। तो भाई यार यही रीज़न था कि मैंने एस्ट्रोडैक्टिल को इस वाले मैच में विन करवाया। तो भाई यार अगर आपको ये वाला वीडियो आज का पसंद आया होगा, तो यार बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलूंगा आपसे ऐसे ही ऑसम ब्रांड न्यू एंड अमेजिंग वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए सी यू लेटर एंड बाय बाय।